नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवन 24 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ ममता मिश्रा। शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ अन्य कौशल क्षेत्रों में भी बच्चों की सहभागिता जरूरी है। वैश्विक परिवेश के अनुसार ज्ञान व विद्या के हर क्षेत्र में विद्यार्थी जिज्ञासु और साहसिक बनकर ही अपने जीवन, देश और विश्व में बदलाव ला सकते हैं। साहस और जिज्ञासा हमें सही निर्णय लेने में सहायता करता है। ये बातें बोकारो स्टील प्लांट के निदेशक प्रभारी अमरेंदु प्रकाश ने सोमवार को डीपीएस बोकारो में आयोजित मेधाविता सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सिर्फ देश ही नहीं, बोकारो का नाम विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है और इस गरिमा में डीपीएस बोकारो ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने सम्मानित किए गए मेधावी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए केवल भारत का नहीं बल्कि ग्लोबल सिटीजन व ग्लोबल लीडर बनने की प्रेरणा भी दी। समारोह में सीबीएसई 10वीं व 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में बेहतरीन परीक्षा फल पाकर विद्यालय का नाम गौरवान्वित करने वाले कुल 137 छात्र छात्राओं को सम्मानित कर उनकी हौसला अफजाई की। सर, अभी मैंने कहा कि मैंने आज तक पूरे देश में केवल दो डीपीएस का नाम सुना था, एक आरकेपुरम और एक डीपीएस बोकारो। डीपीएस बोकारो ने बोकारो को शैक्षणिक राजधानी, जैसा आपने कहा, वैसा बनाने के पीछे बहुत योगदान दिया है। और आज इस दिन जबकि डीपीएस के अच्छा करने वाले बच्चों को फेलिसिटेट करने का मौका मिला है, मैं प्राइड फील करता हूं और चाहता हूं कि ऐसे ही हमारे बच्चे अच्छा करते रहें और अपने शहर का नाम ना केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में रोशन करते रहें। बोकारो शहर की अपने देश में हमेशा से पहचान रही है, हर क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, कल्चरल एक्टिविटीज़ के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में बोकारो आगे रहा है। और मैं ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ, अभी आपने देखा ग्लोबल एक्टिव सिटी प्रोग्राम में बोकारो को रिकॉग्नाइज़ किया गया है, इसके अलावा भी बाकी हर जगह बोकारो के लोग और बोकारो शहर की गतिविधियाँ राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आगे आती रहेंगी। क्या लगता है, फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ एजुकेशन पर भी आगे ध्यान दिया? बिल्कुल, एजुकेशन में बोकारो ऑलरेडी आगे है। आप देखते हैं कि आईआईटी के टॉपर और बहुत सारे बड़े एग्ज़ाम्स के टॉपर जो देश में होते हैं वो बोकारो से आते हैं। और आप कहीं भी जाएंगे तो लोग बोकारो को इसकी शिक्षा के नाम से भी रिकॉग्नाइज़ करते हैं, तो ये प्रथा चलती रहेगी बल्कि और ज़्यादा सुदृढ़ होगी, आगे बढ़ेगी। बोकारो में एजुकेशन को लेकर के हम लोग सजग हैं और बोकारो में कई अच्छे स्कूल हैं और यहाँ की सुविधाएं और यहाँ के स्कूल के टीचर्स और स्टाफ बहुत ही दृढ़ संकल्प के साथ और बहुत मेहनत करते हैं इन बच्चों को आगे बढ़ाने में, उनको अच्छी शिक्षा देने में। हमको इनको जो भी समर्थन की ज़रूरत पड़ेगी, किसी भी तरह के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए बोकारो स्टील प्लांट कटिबद्ध है और साथ खड़ा होगा।